गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महू गोली कांड की जांच वाले बयान पर कहा कि कमलनाथ ने अपनी सरकार रहते कभी सीबीआई जांच नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा कोई उनके खुद की पार्टी नहीं सुनती। कांग्रेस की किसान यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा तो दतिया जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को आईना दिखाया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी घटना हुई थी तब दिया था क्या सीबीआई? इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक, दोनों ही घटना है, और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें, स्पष्टवादी बने। सर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पांडुरना में जब घटना इसी तरह की घटी थी तब की थी क्या उन्होंने? विपक्ष के सज्जन वर्मा जी के कहने से कोई कुर्सी छोड़ेगा क्या? उनकी पार्टी की कोई नहीं छोड़ेगा, उनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता उनकी बिचारी। ये ढोंग है उनका, जब वो सरकार में थे तब उन्होंने किया क्या कुछ? उन्होंने जो पैसे मिलते थे, जो मिलना चाहिए थे, बीमे तक की राशि तो दिलवाई नहीं थी। अब विपक्ष में आ गए तो इस तरह की बात करते। वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं? वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? उन्होंने हवाई पट्टी क्यों नहीं बनाई थी जो बनना चाहिए थी? पर्यटन के क्षेत्र में दतिया आगे है, उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, लॉ कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये जितने भी खुले हैं उनके टाइम में एक हाथ खोला क्या? जब वो अपने 10 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए तो अब दतिया की जनता को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? कोई अपना काम बताएं दतिया जिले के लिए, फिर आगे अपनी बात करें।